गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन की तीसरी क्लास लेंगे। जो शुरुआत की अपन ने जो दो क्लास ली थी, उन दोनों क्लास में अपन ने जो बेसिक शुरुआती साइट्स की डिटेल्स वगैरह देखी थी। तो मैं एमपीपीएससी मेंस के हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ और अपन को जल्दी से जल्दी कोर्सेस कराने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने मेरा पढ़ाने का क्या रहेगा तरीका, उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया था। ये पिछली क्लास में भी अपने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अपन ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन देख रहे हैं और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भी अपन ने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इन एस्पेक्ट्स को अपने को कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से आने हैं। 2019 में भी मैंने आपको जैसे बताया था, एक क्वेश्चन जो है वो अपना इकोनॉमिक्स पे आया था कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो इसके आगे अपन ने आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि है कि एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पर एक्सकावेशन हुआ था और कहाँ कहाँ पर इसका एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद अपन ने देखा था कि कुछ इम्पोर्टेंस पर्सन जो थे जिनका एक्सकावेशन में, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के एक्सकावेशन में, साइटों को खोजने में जो बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, उनके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में देखा था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। कनिंगम हो गया, जॉन मार्शल हो गया, साहनी हो गया, है ना, उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट लोग हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि मेजर साइट्स कौन कौन से डिस्कवर हुई थी। तो मेजर साइट्स डिस्कवर में अपन ने जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स थी जो ट्रेड्स के अनुसार या किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत फेमस थी, उन सारी साइट्स को अपन ने स्लाइड्स में देख लिया था। मैंने साइट्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर लिख दिया है और इसको अपन ने सबको देख लिया था, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुतका जेंडर, चंदुहारो, आमरी, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, इन सब के बारे में देखा था। फिर उसके बाद अपन ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के बारे में देखा था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की थी, टाउन प्लानिंग, ठीक है ना। टाउन की प्लानिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है कि वहाँ की रोडें अच्छी हो, वहाँ की सड़कें अच्छी हो, है ना, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पानी का भराव नहीं हो, ठीक है, जो व्यवस्था हो वो, जो खाने पीने की व्यवस्था हो उसके लिए बढ़िया गोदाम हो, इन्हीं सभी चीज़ों को जो है टाउन प्लानिंग में कंसिडर किया जाता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन निबंध में के या 5 नंबर 11 नंबर में कि एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट डिस्कस करने जो मैंने लिखे हैं और जिसमें स्ट्रीट्स आएगा, गलियां कैसी थी, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बस आपको रफ रफ आइडिया दे रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आप ये सब डिटेल में देख लें अगर नहीं देखा हो तो। ग्रेड बाद जो अपने को मोहनजोदाड़ो में मिला था, ग्रेनरीज जिसको अन्नागार या गोदाम बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ गेहूँ वगैरह रखे जाते थे, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो घर बनाए जाते थे वो किस प्रकार के होते थे। उसके बाद जो है अपन ने हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में देखा था कि वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, फसलों के प्रकार क्या क्या थे, उन फसलों का ट्रेड कहाँ कहाँ होता था, उन फसलों के एवज में और क्या क्या चीज़ें आती थी, फसल में भी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फसलें हैं, गेहूँ है, बार्ले है, राइस है, इन सारी चीज़ों को अपन ने देखा था। फिर उसके बाद जो है अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा कि वहाँ पे पशुपालन जो होता था वो किस प्रकार का होता था और कौन कौन से जानवर के वहाँ अवशेष मिले हैं और जो सीले वगैरह और वहाँ के जो मिले हैं कुछ, तो हाँ, तो जितने भी सिले या सिले वगैरह मिली हैं वहाँ पे उनमें क्या क्या चीज़ें जो है डिपिक्ट करी गई थी और उनके हिसाब से जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्व विभाग वाले वो प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर इस प्रकार के किसी जानवर का फोटो मिला है तो वो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये लोग इसको जानते होंगे या इस प्रकार का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको इंडस वैली वाले जानते थे, उन सबको जो है अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया था। एनिमल हस्बेंड्री के बाद अपन ने वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होता था, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक सभ्य और एक संपन्न बोले तो सभ्यता थी, ठीक है ना, डेवलप्ड सिविलाइजेशन जिसको बोलेंगे। तो एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के लिए वहाँ पर ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होने के लिए वहाँ पर सामान आएगा और जाएगा,
ठीक है ना, माल आएगा जाएगा उसके एवज में पैसा भी चलता था वहाँ पे, सीले वगैरह सभी शहरों में जो है सामान सीले मिली है। तो जब सामान लाया जाएगा और भेजा जाएगा तो वो किसी न किसी चीज़ के तहत भेजा जाएगा। अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा जाएगा, उससे जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप होगा। और इसी के कारण जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो वाकई में ज़्यादा डेवलप हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा था। ट्रेड वाला सिस्टम जो है वो अपन ने पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से आती थी, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी। लोथल का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है उसमें, लोथल एक साइट है तो उसका उसका बहुत बड़ा योगदान है लोथल वाली साइट का। और वहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे जो है समुद्र के किनारे हुआ करता था लोथल गुजरात में, तो वहाँ पर जो है शिप्स के जो है अवशेष मिले हैं। ऐसे काफ़ी सारे जो है इनको एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये पता चले कि वहाँ पर बाकायदा काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी ट्रेड में। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आती थी उसके बारे में भी अपन ने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद अपन ने फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर किया जाता है या ट्रेड जो हुआ है वो हुआ है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसको बोला जाए तो आज का जो इराक है, इराक वाले जो एरिया है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता उस एरिया में फैली हुई थी। तो जितना भी मैक्सिमम ट्रेड होता था तो यहाँ की कुछ सिले वहाँ पर मिली है, वहाँ की सिले यहाँ पर मिली है, इसका मतलब यहाँ से सामान वहाँ जाता था, वहाँ से सामान यहाँ आता था, उसके एवज में पैसों का ट्रांसफ़र होता था। और वो सिले और जो पैसे हैं, पैसे मतलब जो उनके एवज में जो दस्तावेज मिले हैं वो सारे अपने को यहाँ पे मिले हैं। अच्छा, कोई किसी प्रकार का मॉनेटरी सिस्टम नहीं पाया गया है ना, तो कोई पैसा वाला जो मैंने पैसा शब्द थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया कि पैसा नहीं मिला है। पैसा जो होता ना अपना जिसे, तो वो पैसा प्रयोग नहीं लाते थे, वो सामान के बदले सामान लेते थे, ठीक है ना। जैसा कि अपन ने देखा था कि वहाँ से जो है वो जो है जेम्स वगैरह जो होते हैं पत्थर होते थे, लैपिस लाजुली हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अवज में यहाँ से जो है कॉटन जाता था, कपड़े जाते थे, खाना जाता था, गेहूं वगैरह यहाँ से चीज़ें भेजी जाती थी। तो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन देखा, फिर अपन ने वहाँ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का क्वेश्चन 2019 के मेंस में अपने आया था। तो अब जाहिर सी बात है इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती है, एग्रीकल्चर भी आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगा, फाइनेंस बिजनेस भी आएगा, ट्रेड भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप, ये सभी चीज़ों का आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी है देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द मॉनेटरी एक्सचेंज इन सिविलाइजेशन। उसके बाद अपन ने मेटल्स को देखा कि मेटल्स कौन कौन सी प्रयोग होती थी। जाहिर सी बात है मेटल्स भी बहुत सारी थी जिनका प्रयोग किया जा रहा था अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। तो मेटल्स में भी कौन कौन से मेटल्स का प्रयोग किया जाता था, कॉपर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो कॉपर और कॉपर के चार अलॉय है ना, एक क्रूड कॉपर था, बाकी तीन चार जो थे वो कॉपर के अलॉय होते थे। उन सबको भी मैंने डिटेल में लिखा है, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ब्रीफ जब नोट्स बनाए ना तो आप इसको उठाकर एक अच्छा नोट्स तैयार करें इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे, ठीक है ना, ये कंटेंट उठा हुआ है पूरा। फिर उसके बाद जो है अपन देखेंगे, आज यहाँ से अपने को चालू करना था क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वही टेक्नोलॉजी वाला अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी पे बताएं, तो आज से अपने को टॉपिक चालू करना था पोल्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं पोल्ट्रीज के बारे में। पोल्ट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। जो अपन गाँव में अगर आप जाते होंगे तो मटके वगैरह होते हैं, मटके वगैरह पे जो है कुछ डिज़ाइन वगैरह कर देते थे लोग चूना वूना लगा के। अपने आप गाँव में देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद जो मटके आते हैं, काले मटके या रेड वाले जो मटके आते हैं उन पर कुछ डिज़ाइन बना देते थे लोग। तो वैसे ही प्रकार की कुछ डिज़ाइनों के जो है मिट्टी के मटके वगैरह और मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ से अपने को इंडस वैली से मिले हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। ए लार्ज वैरायटी ऑफ पोटरी बोथ प्लेन एंड डेकोरेटेड हैज बीन फाउंड। हरप्पन्स वर शेयर्ड एंड ए पोटरी व्हील्स पोटर्स व्हील्स बींग मेड ऑफ द वुड एंड हैव नॉट सर्वाइव्ड। द डिज़ाइन इंक्लूड ए सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग सर्कल्स ट्रीज, ठीक है ना। तो ये बता रखा है कि भैया जो है हड़प्पा में कुछ प्लेन मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और कुछ डेकोरेटेड भी मिले हैं, ठीक है ना। और उनसे वो लोग कुछ पहिए वगैरह और ये सब बनाने की बातें हैं। फिर उसके बाद जो है अपन अगला देखेंगे कि उन जो डिज़ाइनें बनाई जाती थी मिट्टी के बर्तनों पे, जो डिज़ाइन बना रहे हैं तो उन डिज़ाइनों में क्या क्या होगा, तो उन डिज़ाइनों में ये बता रहे हैं कि भैया क्या था, सर्कल्स थे, ठीक है ना, ट्रीज थे, लार्ज कॉम्ब थे,
चेसबोर्ड पैटर्न था, ट्रैंगल, सोलर डिवाइसेस, एनिमल्स, बर्ड, स्नैक एंड फिश, ये सभी चीज़ें जो है उन पर डिज़ाइन में बने हुए थे। इसका मतलब इन सभी को वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। एनिमल आर शोन इन द ग्रास एंड बर्ड्स ऑन द ट्री, नो ह्यूमन फिगर इज डिपेक्टेड, ठीक है ना। कोई भी ऐसा चित्र नहीं मिला है जिसमें मनुष्य की आकृति बनी हुई हो, ठीक है ना। केवल एक चित्र कुछ बता रहे हैं कि ए फ्यू पोएट्री पिक्चर डिस्कवर्ड इन हड़प्पा पोएट्री में, एक हड़प्पा में एक बस एक एक पिक्चर मिला है जिसमें मैन और एक बच्चा, एक आदमी और एक बच्चे का फोटो इसमें दिखा है। इसके अलावा कहीं पर भी ह्यूमन के उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एट लोथल ए वास्ट पेंटिंग ऑफ प्रोबेबली डिपेक्टेड ऑफ द फोक टेल, ठीक है ना। लोथल एक शहर था समंदर के किनारे जो व्यापारिक केंद्र था, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर था वो लोथल था, क्योंकि जितने भी बाहर जाने का सामान जो जाता था, ठीक है ना, वो लोथल से जाता था। तो अब गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अपन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कर रहे थे, आज तीसरी क्लास है और मोस्ट प्रोबेबली आज अपन इसको ख़त्म कर लेंगे। मैंने आपको शुरुआत से बता रख, एक बार अपन और देख लेते हैं कि कैसे जो है अपन ने पढ़ा है और कैसे पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को अपन ने इस प्रकार से कंप्लीट करना चालू किया था। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को अपन ने इस तरीके से किया है। सबसे पहले अपन ने इंडस्ट्रियल की कुछ फैक्ट्स देखे। एक बार मैं आपको स्लाइड रिव्यू करवा दूंगा फिर से, ताकि दिमाग में थोड़ा सा वापस से एक वो बन जाए फ्रेम की कैसी करी थी। सबसे पहले अपन ने इसका पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, टाउन प्लानिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अपन ने इसकी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि पिछली बार के पेपरों में इकोनॉमिक्स के ऊपर सीधा एक क्वेश्चन आया था 200 वर्ड में, ठीक है ना। तो ये एक कॉइन के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं, सील्स के बारे में, ट्रेड सिस्टम, इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना, मेसोपोटामिया जो आउटर ट्रेड होती थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पोर्ट्स कौन कौन से थे, लोथल वगैरह, एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो ये अपन ने इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये दोनों अपन टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ चीज़ें बच गई है जिसमें सोशल इश्यूज आएंगे, ठीक है ना, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपने को थोड़ा मेन देखना है कि वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है 200 वर्ड्स में, अगली बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये आ चुका तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। और कल्चरल जो इवेंट है उसके बारे में भी, कल्चरल में भी अपन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी उसके बारे में, इस पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। ये मैंने वो टॉपिक सारे लिख दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि हर सब जगह म्यूज़िक भी मिल जाए आपको, पर इनमें से कहीं पर कहीं ना कहीं ये पे आपको इनकाउंटर होगा। तो सबसे पहले अपन इंडस्ट्रियली पढ़ रहे हैं, अपन ने इस प्रकार इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फर्दर एक एक टॉपिक को इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट। टेक्नोलॉजी एक बड़ा शब्द है, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में अपन यूज़ करते हैं, उस ज़माने में तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, है ना, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो ऐसी होती नहीं होगी, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी मोबाइल वगैरह होती होगी। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि वहाँ पर जीवन जीने के लिए कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें मिली है जिनसे वहाँ की लेवल का दिखता हो कि वहाँ किस प्रकार का जीवन जिया जाता था। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पोल्ट्री सिस्टम, ठीक है ना। पोल्ट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं पोल्ट्रीज, तो देखेंगे ए लार्ज वैरायटी ऑफ पोल्ट्रीज बोथ प्लेन एंड डेकोरेटेड हैज बीन फाउंड। हड़प्पा वेयर्स वर शैप्ड ऑन ए पोल्ट्रीज व्हील्स, द पोर्टर्स व्हील्स बीइंग मेड ऑफ वुड्स हैव नॉट बीन सर्वाइव्ड, द डिजाइन इंक्लूड ए सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग सर्कल्स, ठीक है। तो ये बता रखा है कि पोल्ट्री जो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन यूज़ हुआ करते थे, वो बर्तन जो हैं उनमें कुछ डेकोरेटेड और प्लेन बर्तन मिले हैं मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन मतलब आप समझ लीजिए जैसे जो घर में अपने मटका होता है, ठीक है ना, उस प्रकार के, जिनके ऊपर कभी कभी कुछ, जैसे गांव में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी के वो बर्तनों के ऊपर जो है कोई डिज़ाइन वगैरह बनी हुई मिल जाएगी, कुछ पिक्चर, कुछ चित्र वगैरह जो है उसके ऊपर मिल जाएंगे। तो ये वही बता रखा है कि अंडर डिज़ाइन, उसके ऊपर जो डिज़ाइन थी वो उसमें क्या क्या था, सर्कल्स था, ट्री था, लार्ज कॉम था, चेस बोर्ड था,
ट्रायंगल था, 16 डिवाइस था, एनिमल था और स्नेक्स था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इनमें जो एनिमल्स मिले हैं, हाँ अच्छा, इसमें क्या है कि एनिमल्स वगैरह तो मिले हैं परंतु कहीं पर भी जो है मनुष्य या इंसान की बारे में, इंसान का कोई फोटो नहीं मिला है किसी भी डिजाइन में, केवल एक जगह मिला है, ठीक है ना। ए फ्यू पोर्ट्री स्पीसेस डिस्कवर्ड एट हड़प्पा पोर्ट्रीज, ए मैन एंड ए चाइल्ड, एक एक व्यक्ति का और एक उसके बच्चे का एक चित्र हड़प्पा में मिला हुआ है। और लोथल में क्या मिला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लोथल में एक पेंटिंग प्रोबेबली डिपेक्टिंग द फोक टेल्स ऑफ द थर्स्टी क्रो। आपने एक पढ़ा होगा एक कहीं पे, थर्स्टी क्रो है ना, प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा वाली कहानी आपको पता ही है क्या है। तो प्यासा कौवा भैया वो वाली चीज़ होती है कि एक बार एक कौवा हुआ तो होता था, वो बहुत प्यासा था, तो उड़ते हुए जा रहा था, नीचे उसको एक घर दिखा, वो घर पे जाके बैठा, वहाँ पे उसको एक घड़ा दिखा, मटका दिखा, उसमें उसने चोंच डाली पर उसमें पानी जो था वो बहुत कम था, नीचे था तो वो जा नहीं पा रहा था, पानी पी नहीं पा रहा था। तो उसने जो है पास में जितने भी ये पत्थर वगैरह, कंकर पत्थर जो भी रहते हैं, स्टोन्स, उन सबको उठा के जो है उसमें डाला तो पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। तो इस प्रकार का एक फोटो, एक चित्रण कहीं पे मिट्टी के बर्तनों पे ऐसा मिला है, कहाँ पर, लोथल में। और ऐसी ही एक कहानी है जिसको बोलते हैं कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी, उसकी भी जो है इनको एक फोटो मिला है। उसके बाद अपन देखेंगे सील सिंध हड़प्पा सिविलाइजेशन, सील, ठीक है ना, सील सिंध हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सील जो थी वहाँ पे दो प्रकार की होती थी, है ना, ये सारे उसमें आ जाएंगे ट्रेड में, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम में, ट्रेड में, क्योंकि सील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। इस प्रकार से द सील वॉज यूज थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, मेड ऑफ स्टेटाइट, ठीक है ना, द एंड द सील रेंज इन द साइज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे दो प्रकार की सील मिली है, एक तो स्क्वायर सील मिली है जिसमें एनिमल होते थे, एनिमल के फोटो होते थे, है ना, और एक रेक्टेंगुलर सील मिली है जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है ना। और ऐसी काफ़ी सारी जो है सीलें मिली है, लगभग 1200 सीलें जो है वो मोहनजोदाड़ो से अकेले से ही मिली है, ठीक है ना। और सील का प्रयोग क्या होता था, सील का जनरली जो प्रयोग होता था वो, जैसे मान लीजिए आप कहीं से कुछ सामान लेने गए किसी दुकान पे, या पहले क्या मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, पैसा दे के सामान नहीं आता था, सामान के बदले सामान आता था, ठीक है ना। तो सामान के बदले जब सामान आएगा तो आप कुछ सामान देंगे तो आप उनको, और आप उनसे कुछ लेंगे, ठीक है, तो आप उनसे जब कुछ लेंगे तो वो एक रिसीव लेंगे कि भैया हमने इतना इतना सामान इनको दे दिया है। आप जब उनको सामान देंगे तो आप एक रिसीव लेंगे कि भैया इतना इतना सामान हमने इनको दे दिया है, ठीक है ना। तो वो जो सील होती है, जो सील लगाई जाती है कि हाँ भैया ये इतना माल प्राप्त हुआ, ठीक है, आप जब अगर गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से जब भी कोई चीज़ आती जाती है तो उस पर सील लगाई दी जाती है, ताकि ये प्रूफ रहे कि किस तारीख को, कितनी बजे, कितना माल या कितनी चीज़ें आई थी, ठीक है ना, इस आदमी से आई थी। तो यहाँ पे भी वही है, कुछ ऐसी सीलें मिली है जिसमें जानवरों के फ़ोटो भी मिले हैं। एक ऐसी सील मिली है जिसमें एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आस पास कुछ जानवर बैठे हैं जिसमें एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है और बफेलो है, ठीक है ना। ये चार लोग बैठे हैं और उनमें जो है उनके नीचे एक एंटीलोप, एंटीलोप का मतलब होता है मृग, ठीक है ना, मृग का मतलब होता है हिरण, ये बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये हो सकता है कि एक पशुपति की सील हो, या पशुपति भगवान जो होते हैं शंकर जिसको बोलते हैं, तो पशुपतिनाथ की ये सील है जिसमें आसपास जानवर हैं और उनके नीचे दो बकरियां या हिरण बैठे हुए हैं और बीच में एक व्यक्ति की आकृति बनी हुई है, तो उसको पशुपति की सील माना जाता है। और उसी बेसिस पे कुछ एक दो ऐसे और प्रमाण मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती होगी, कोई प्रमाण, पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरा एक और चीज़ मिली है कि एक ऐसा फोटो मिला है, एक ऐसा सील मिली है, उसमें एक महिला को दिखाया गया है, वो पेड़ के पीछे, पीपल के पेड़ के पीछे दिखाई गई है, पत्तों के पीछे, कुछ 7-8 लोग जो है उनके सामने गीत गाते हुए नाचते हुए दिखाए गए हैं, और कुछ लोग उनके सामने जो है झुके हुए हैं, नी डाउन करे हुए हैं। तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे जो है ना महिलाओं की भी पूजा होती थी और महिलाओं को भी लोग पूछते थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सील ए गॉडेज स्टैंड न्यूड बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ द पीपल ट्री, वर्शिपर बिहाइंड द वर्शिपर स्टैंड ए ह्यूमन फेस्ड गॉड बिलो विद द 7 डिवोटी, क्लियर है। एक और लिखा हुआ है, ए मैन होल्डिंग ए बैग टू द रोरिंग टाइगर विद हिज ओन स्ट्रीट आर्म, दिस इज सिमिलर टू द सुमेरियन गिलगमेश एंड हिज लायन। अब आपने सुना होगा एक बहुत, आपने, आपको कब क्या पता याद हो कि नहीं हो, एक भरत करके एक वो थी, आपने अगर स्कूल में पढ़ा होगा कि वो शेर के दांत गिनता था, जो शेर होता था उसके दांत गिना करता था। भारत में ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके, जो शेरों के दांत गिना करते थे, तो उस प्रकार की भी एक सील जो है, और ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो है सुमेरियन सभ्यता में
कोई गिलामेश और उसके लायन एक व्यक्ति था जिसका नाम गिलामेश था और उसके लायन के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। और सारी इंडस वैली की सील में जितनी भी सीलें हैं उनमें एक जानवर या एक एनिमल के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है, वो है यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है ना। तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है इनको प्रमाण मिले हैं। आप अगला देखेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, आपको ये सारी चीज़ पता चल जाए कि कैसे जो है इन पे लिखना है और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या आ सकता है? तो पहली बात तो है कि भैया पता कैसे चला कि फॉरेन ट्रेड होता है? तो फॉरेन ट्रेड में ये की बात पता चली कि जो उन उस समय के जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उन पे जो है जो सीलें लगी हुई है उन, तो वो उस समय के अगर वहाँ से कोई सामान आता था तो वो मेसोपोटामिया की सील लगा हुआ आता था, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना कहीं से सामान आता है ट्रेनों में तो वहाँ की सील लगी हुई आती है, यहाँ से भेजते तो सील लगी हुई मिली। तो उन्होंने ये बता रखा है द हरप्पन सील्स वर एवेंडेंट एविडेंटली यूज टू सील बंडल्स ऑफ द मर्चेंटाइज क्ले सील इंप्रेशन विद द कोड एंड सेक मार्क्स ऑन द रिवर साइड ऑफ द टेस्टिफाई, ठीक है ना। यहाँ से जो माल गया वहाँ पर उन्होंने कागज दिया, उसके पीछे की तरफ उन्होंने अपना सब ठप्पा छोड़ दिया कि भैया ठीक है ये माल आ गया है, ठीक है, और वो रिसीव्ड लिया है ना, रिसीव्ड आवक जावक जिसको बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। इंडस सील एट मेसोपोटामिया सिटी एंड डिस्कवरी ऑफ पर्शियन गल्फ आर्डर, है ना, जो एक सिटी थी लोथल वहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सील मिली है और वहाँ पर उनके यहाँ पर मेसोपोटामिया में इंडस वैली की सीलें मिली है। तो इससे पता चलता है कि भैया जो है वहाँ पर फॉरेन ट्रेड चल रहा था, ठीक है ना, यहाँ दूसरे देशों में वहाँ की सील, वहाँ के देश सीलें यहाँ पर मिल रही थी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ कोई मॉनिटरी सिस्टम तो था नहीं, पैसों लेके तो बात होती नहीं थी कि पैसों के बदले सामान मिल रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ सामान के बदले सामान आता था। तो यहाँ भारत में क्या क्या चीज़ें होती थी? गेहूँ धान होते थे, ठीक है ना, फूड वगैरह होते थे, और इसके बाद कॉटन होता था, कपड़े होते थे। तो ये बेसिक चीज़ें जो है भारत में ज़्यादा उगती थी, इसके ये सारी वहाँ भेजी जाती थी और वहाँ से ईरान और इराक से मेसोपोटामिया इराक वाली सभ्यता को बोला जाता, वहाँ से जो है जेम्स जो महंगे पत्थर होते थे, सोना होता था, ये जो जो भी चीज़ें होती थी वो वहाँ से आती थी इनके बदले में। यही लिखा हुआ है कि टिम्बर एंड प्रीशियस वुड्स, आइवरी एंड हाथी के दांत, लापिस लाजुली, नीलम जिसको बोलते हैं, नीले कलर का एक पत्थर होता है जिसको लोग अंगूठी में पहनते हैं, महंगा आता है ये, गोल्ड सोना और लग्जूरियस गुड्स जो है कार्नेलाइन बीड्स, मोती, पर्ल्स एंड शेल्स और बोन्स वर अमंग द गुड्स सेंट टू द मेसोपोटामिया एंड द एक्सचेंज ऑफ सिल्वर, टिन, वुलन, टेक्सटाइल एंड ग्रेन्स एंड अदर फूड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बदले जो है ये सब चीज़ें भेजी जाती थी। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि भैया फॉरेन ट्रेड के बारे में बात तो कर रहे हो पर ये बताओ कि भैया फॉरेन ट्रेड भारत में किस राजा के समय चालू हुआ था हड़प्पा में, और राजा का नाम क्या था? तो हड़प्पा में कोई राजशाही सिस्टम तो पता चला नहीं है कि वहाँ पे कोई राजा हुआ करता था, ऐसा इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, समाज में एक वर्ग था जो थोड़ा सा उन्नत किस्म का था और वो एक ऐसी जगह और वो ही एडमिनिस्ट्रेशन में था और वही सब चीज़ों को मैनेज करता था, इसीलिए बढ़िया इतनी वहाँ टाउन प्लानिंग थी, वहाँ का ट्रेड सिस्टम इतना अच्छा था। पर यहाँ पर राजा नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश पूरी दुनिया में नहीं थे। मेसोपोटामिया में उस समय राजा शाही और राजतंत्र चालू था और उसमें क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेसोपोटामिया ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनमें क्या मिला है, सामान मिले हैं और इंस्क्रिप्शन मिले हैं मेंशनड इन मेलुहा। उन सामानों में क्या मिला है, एक शब्द मिला है मेलुहा, और मेलुहा मैंने आपको बताया था जो इंडस नदी है, मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग इंडस नदी को इंडस नदी या सिंधु नदी या भारत की नदी, पाकिस्तान की नदी, इसी नाम से नहीं जानते थे, वो इसको जानते थे मेलुहा नदी के नाम से, और वो यहाँ के रहने वाले लोगों को मेलुहियन बोलते थे, ठीक है ना, कि मेलुहा के रहने वाले लोग हैं। तो वहाँ पर जो मेसोपोटामिया में जो जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उनमें मेलुहा शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है और मेलुहा का मतलब था इंडस नदी। तो इंडस नदी इन्होंने बोला है कि मेलुहा के साथ हमारा जो ट्रेड है, इन्होंने बोला है इनके डॉक्यूमेंट में कि मेलुहियन ट्रेड डेट, कि ये कब से चालू था, इनका राजा का नाम था अकेडियन अर्थरी स्नेन लार्सा के पीरियड से ये चालू था इनका, और इनका पीरियड कब था, ईसा से 2350 से 1794 वाले पीरियड के बीच में ये लोग राजा थे, और उसी के दौरान इनका वो दस्तावेज मिले हैं जिनमें ये बताया गया है कि इनके साथ भारत के इंडस वैली के साथ ट्रेड हुआ करते थे मेलुहा के साथ, परंतु इनके पहले से भी व्यापार चालू था और वो लिखा हुआ है इन्होंने कि डायनेस्टी में और पहले से भी व्यापार चालू था, ईसा से 2600 साल पहले की बात से तब से चालू था, परंतु अकेडियन के समय जो व्यापार था वो बहुत ही उच्च लेवल पे, एक हाई लेवल पे पहुंच गया था, अकेडियन ने बहुत अच्छा काम किया था अकेडियन ने,
ठीक है ना। और उन्होंने लिखा भी है कि अकेडियन के समय मेलुआ की जो सामान थे वो सीधा जो है मेसापोटामिया आते थे, और मेसापोटामिया से सीधा मेलुआ जाते थे। तो इस प्रकार से इतना उच्च किस्म का ट्रेड सिस्टम, वो भी फॉरेन ट्रेड है ना, उस ज़माने में भी डेवलप कर लिया गया था। ठीक है, अब दो प्रकार से ट्रेड होते थे, ट्रेड की बात चल रही है। तो ट्रेड किस प्रकार के, दो प्रकार के होते थे। पहला चीज, पहला ट्रेड होता था, जैसे मान लीजिए अगर आप शहर में रहते हैं, ठीक है ना, तो आप शहर जो आसपास के गांव से शहर में सामान आता था आसपास, तो वो केवल उसी शहर तक ही सीमित था, इंडस वैली तक ही सीमित था, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इंट्रा, समझ लीजिए सिटी, ठीक है ना। ये लिखिए ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल, एक मिनट, ऑब्टेनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द अदर गुड्स फ्राम द विलेज, गाँवों से जो है, विलेज कम्युनिटी से जो है माल आता था, फ्राम द फॉरेस्ट ट्राइब्स, फॉरेस्ट से आता था, ठीक है ना। एक ये ट्रेड था जो लोकल चलता था, शहरों से गाँव, गाँव से शहर। और दूसरा जो ट्रेड था वो एक सभ्यता से, मतलब एक सिटी से या एक देश से दूसरे देश तक, ट्रेड विद द सिटीज़ एंड एम्पायर ऑफ द मेसापोटामिया से, ठीक है ना। गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्राम द गोल्ड फील्ड ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका, जो गोल्ड था सोना, वो कर्नाटका से आता था। कॉपर जो था वो अलग अलग सोर्स से आता था, पर जनरली राजस्थान जो है मोयन सोर्स होता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आते थे दोनों चीज़ें, ठीक है ना। अब एक देखेंगे लापिस लाजुली, मैंने आपको बताया था लापिस लाजुली का मतलब होता है नीलम, नीलम, ठीक है ना। तो नीलम इम्पोर्टेंट है, नीलम क्योंकि नीली होती है इसलिए नीलम इम्पोर्टेंट है। ये है नीलम, ठीक है। जो नीलम है वो कहाँ से आती थी, ईरान से डायरेक्टली आती थी, ठीक है ना। और ईरान में जो खाने होती थी, बख्श खान की खाले, ठीक है ना। तो बख्श खान की जो खाले हैं, ये बख्श खान आज भी एक शहर है, और ये कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान, एक मिनट, ये अफगानिस्तान प्लस तुर्कमेनिस्तान की जो बॉर्डर पे जो है ये शहर बसता है आज भी। और वहाँ पे पत्थर, जो महंगे स्टोन्स आते हैं, उनकी खदानें थी, और वहाँ से ये माल आता था। टर्किश जो थे वो ईरान से, वो भी ईरान से आता था, ठीक है ना, जिसको फिरोजी बोलते थे। फर्चिट्स जो होते हैं, ये क्रोमियम रिच और होता था, क्रोमियम रिच, क्रोमियम भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से ये आता था, कर्नाटका की खदानों से आता था। एल्बेस्टर जो था, एल्बेस्टर जो था एक वाइट होता है, वाइट वाइट पत्थर, वाइट जेम्स जिसको बोलते हैं, ये ईरान से आता था, ठीक है। एमथेस्ट जो है वो महाराष्ट्र से, और जेड भी जो आता था वो एशिया से आता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है और अपने आंसर में लिखना है। ये बस चीज़ें अपने को याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ट्रेड में आती थी। द एरिया कवर्ड बाई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हैज रिमार्केबली यूनिफॉर्म लेवल ऑफ मटेरियल कल्चर। इंडस वैली की सबसे खास बात क्या है कि आपको जितने भी शहर मिले हैं उन सब में जो है समान चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो मिली वो समान मिली है। मतलब वहाँ का ट्रेड इतना अच्छा था कि एक एक चीज़ एक एक शहर तक पहुँचा दी गई थी, मतलब हर शहर समान चीज़ यूज़ कर रहा था, ठीक है ना। आज भी ऐसी चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, जैसे आज आप देखेंगे कि कोलगेट का अगर आप ब्रश यूज़ पेस्ट यूज़ करते तो वो सब जगह मिलता है, ठीक है। उस ज़माने में भी कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सब जगह पहुंच गई थी। तो उनका ट्रेड जो था, तो वो मटेरियल जो कल्चर था ना, वो बिल्कुल रिमार्केबली यूनिफॉर्म था पूरे क्षेत्र में, पूरे सिविलाइजेशन में। क्लोजली नीट एंड इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लाई, ठीक है ना। और इतना ज़बरदस्त माल सप्लाई और ट्रेड सिस्टम था, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटीग्रेटेड था, मिला हुआ था, कहाँ कहाँ माल भेजना है, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा, ये पूरे पता चलता था, ठीक है ना। ए वाइड ब्लेड मेड ऑफ द शुकुर स्टोन, ठीक है, शुकुर स्टोन से बना हुआ एक ब्लेड, इनॉर्मस स्केल फॉर द फैक्ट्री ऑफ शुकुर स्ट्रॉन्ग सजेस्टेड एंड ब्रॉन्ज को डिस्कवरी ऑफ चंद्रद्वार। ये सब बेसिक जानकारी है, ये पढ़ लें, इसके बाद देखेंगे। हाँ, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू हो गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि जाहिर सी बात आता ही है, आपको लिखना ही है, ठीक है। अगर इंडस वैली के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ के रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर दी है, ठीक है। तो इन सबको जो है आपको एक बार देखना है, ठीक है ना। तो रिलीजियस में मतलब धार्मिक चीज़ें, तो एक बात अब तो क्लियर है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं मिले हैं, ना कोई मंदिर के एविडेंसेस मिले हैं, कोई साक्ष्य मिले हैं, तो मंदिर तो थे नहीं,
ठीक है, ना कोई मंदिर का खंडहर मिला है, ना कोई भगवान की मूर्ति ऐसी स्पेशल मिली है, एक दो मिली है, पर उसको भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो भगवान होंगे, पर पता नहीं थे कि भी कि नहीं थे। तो इस प्रकार से ये कहना कि वहाँ पे मंदिर होंगे, ठीक है ना, तो वो सब तो नहीं था, परंतु तब भी ये माना गया है कि वहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ का जो कल्चर था, ठीक है ना, वहाँ का जो सिस्टम था, वो बहुत रिलीजियस था, किसी न किसी चीज़ पे तो भरोसा करते थे। और वो क्यों करते थे और वो ऐसा कैसे पता चला, उसके बारे में सारी जानकारी है। देखिए लिखा है, द एफ्लुएंट हड़प्पन सोसाइटी वॉज डीपली रिलीजियस, है ना, इनको लगता है कि वो वाकई में डीपली रिलीजियस थी, बहुत ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस। हालांकि वहाँ पर अब्सेंस था, किस चीज़ का अब्सेंस था, ना तो वहाँ पर रूइन ऑफ टेम्पल, कोई टेम्पल का खंडहर मिला है, ना तो वहाँ पर कोई मंदिर का खंडहर या मंदिर मिला है, ना वहाँ पर कोई अल्टार मिला है, बलि वेदी जिस पर कुछ बलि चढ़ाते हो या कुछ भी ऐसा चढ़ाते हो लोग, वो भी नहीं मिला है, ना किसी भगवान का कोई स्टेच्यू मिला है। पर ये जितना भी अगर वो रिलीजियस बोल रहे हैं, वो किस पे डिपेंड, किस पे रिलाई करके बोल रहे हैं कि उनको मिले हैं कुछ फिगर, ठीक है ना, और कुछ सीलें, ठीक है, जो ये बताती है कि उनको वो लोग रिलीजियसली बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। किस पे रखते थे वो सब देखेंगे अपन। एक चीज़ मिली है कि वहाँ पे जो है इन जितने भी एविडेंस मिले हैं, किससे, फिगर से और सील से, उससे ये पता चला है कि यहाँ एक मदर गोडेज होती थी, मदर गोडेज, ठीक है ना, ये लोग एक मदर गोडेज को पूछते थे, माँ को पूछते थे। वहाँ पे जो है एक पशुपति की सील मिली है, उससे पता चला है कि वहाँ पे एक मेल गॉड भी होता था, जिसके आसपास एनिमल और प्लांट होते थे, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने पत्थरों की पूजा के बारे में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे योगी है ना, प्रैक्टिस योगा, कुछ ऐसे वो मिले हैं फिगर, जिसमें यह पता चला है कि एक व्यक्ति जो है वो योग की स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग योग वगैरह को भी जानते थे, है ना, प्राणायाम अनुलोम विलोम, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये वर्शिप सूरज की आँख को भी और पानी को भी पूछते थे, और डिस्पोजल ऑफ डेड, ठीक है ना, जो मर जाते थे उनका डिस्पोजल भी करते थे। डिस्पोजल करने का तरीका मतलब जो मर जाते थे, या तो उनको दफनाएंगे या जलाएंगे, तो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको हड़प्पा जब शुरू में पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो ऐसी हैं कब्रें मिली हैं जहाँ पे मनुष्यों के कंकाल पाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आगे देखेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ इसलिए लिख दी है क्योंकि ये ज़रूरी थी, ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अब देखिए, रिलीजियस एंड बुरियल प्रैक्टिसेस इन द, है ना, रिलीजियस एंड धार्मिक बुरियल कस्टम्स इन द इंडस वैली, यानी दफनाने के अलग अलग तरीके। सबसे पहला है, इन हड़प्पा देयर आर ए बिल्डिंग आइडेंटिफाई द टेम्पल प्रोसेसिंग ऑफ द रिचुअल फंक्शन सच दैट द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। कहीं कहीं पर ऐसे कुछ बड़े बड़े हॉल या बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें मिली है, जिससे ये माना गया है कि वहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाते समय बताया था कि एक 80x80 का एक कमरा मिला है, 80 फीट बाय 80 फीट, बहुत बड़ा कमरा होता है वो, तो उस बाकी कमरे इतने बड़े नहीं मिले हैं जितना वो मिला है। इसका मतलब वहाँ पे लोग बैठते होंगे, टाउन प्लानिंग करते होंगे, मोहनजोदड़ो में वो जो ग्रेट बाथ मिला है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना रखा है, ठीक है ना, तो वो एक सोच समझ के बनाया होगा। हो सकता है कि वहाँ लोग आके बैठते हों, प्लानिंग करते हों क्या करना है, ठीक है ना, या महीनों महीनों बाद नहाने आते हों, जो भी है, तो इसलिए वो पता चलता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी जो थी ये कमरे हुआ करते थे। और हो सकता है कि वो धार्मिक चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती हो, या टाउन प्लानिंग के प्रयोग की जाती हो, इस प्रकार से उनका कहा जाएगा अपने को। उसके बाद देखेंगे, स्टोन स्क्रप्चर फाउंड ऑन लार्ज, स्टोन की स्क्रप्चर जो हैं वो बहुत ही लार्ज एक्सटेंड में मिले हैं, ठीक है ना, इन बिल्डिंगों में। देयर आर टाराकोटा फिगरिंग एज वेल एज द सील्स एंड एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स का मतलब होता है ताबीज़, ताबीज़ मिले हैं। तो भैया अगर आप जानते होंगे तो ताबीज़ अपन बांधते हैं, जो भी बांधते हैं ताबीज़, मान तो मानने वाले लोग ही बांधते हैं, है ना, किसी चीज़ के लिए बांधते हैं ताबीज़, या किसी जो जो भी जिस भगवान को मानता है, इष्ट को मानता है अपने, तो उनके लिए ताबीज़ बांधते हैं लोग। तो इसका मतलब वहाँ पे ये तो भावना थी कि ताबीज़ बांधने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग थोड़े रिलीजियस थे, उनको आइडिया था कि अच्छा है ताबीज़ बांधने से ये होता है, ठीक है। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सम शॉर्ट ऑफ एनिमल कल्ट, है ना, पर्टिकुलरली टू द बुल, ठीक है ना, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनमें एनिमल्स के कल्ट, बुल, बफेलो, टाइगर वगैरह मिले हैं, ठीक है ना। एक इस प्रकार का एक माथोलॉजिकल काल्पनिक जो है एक एनिमल भी मिला है, जिसकी जो बुल एलिफेंट की तरह होता है, ठीक है ना, जिसमें भैंस और एलिफेंट जो सॉरी बैल और एलिफेंट के दोनों की ताकत जो है मिली है। सम सील सजेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एटलीस्ट ट्रेड टू द कॉमन टू मेसोपोटेमिया। मैनी ब्रदर्स गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ, है ना, जैसे आपने देखा हुआ इजिप्ट में, इजिप्ट के लिए जो लोग हुआ करते थे मिस्टर के, वो वहाँ के जो राजा होते थे, उन लोगों को मरने के बाद कुछ ऐसा बढ़िया तेल वगैरह या जो भी चीज़ें होती थी, मसाले वगैरह,
कुछ ऐसा केमिकल लगा के रखते थे। उनका ये मानना था कि आज से 3-4 हज़ार साल बाद उनके राजाओं में दोबारा जो है जीवन आएगा और वो दोबारा राज करेंगे हम पे, तो ये माना जाता था। तो ऐसा का ऐसा ही एक जो है मोहनजोदाड़ो सॉरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ऐसे ऐसे बहुत सारी कब्रें मिली है, और जो ये बताता है कि वो लोग मृत्यु के बाद वापस से जीवन को भी मानते थे। द सेमेट्रीज एक्सकावेटेड इन हड़प्पा लोथल एंड कालीबंगा आर क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द सेटलमेंट। इन लोकेशन पे जो सेमेट्रीज मिली हैं, जो कब्रगाह मिली हैं, जो कब्रिस्तान मिले हैं, वो जो सेटलमेंट होता था जहाँ पे लोग रहते थे, उससे काफ़ी दूर मिले हैं। इसका मतलब वो लोग इन सब चीज़ों को समझते थे, ठीक है ना, कि दफनाना कहाँ पर है, ठीक है। तो ये था रिलीजियस बरील्स। इसमें 6 पॉइंट हो गए रिलीजियस में। सातवां पॉइंट क्या है अपना, ये है। उसके बाद क्या है, क्वांटिटीज़ ऑफ द पोट्रीज वर प्लेस्ड, है ना। अब ये बता रहे हैं क्या कि जो ग्रेव्स होती थी, है ना, जो कब्रें होती थी, जैसे कोई मर जाता था उस ज़माने में, तो जो कब्र होती थी उस कब्र में उस व्यक्ति के ऑर्नामेंट, ठीक है ना, जो गहने वगैरह वो जितने भी थे वो, प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी पोट्रीज या मिट्टी के बर्तन या जो भी उसके घर का सामान था, वो भी उसके साथ दफना दिया जाता था। तो ये प्रोसेस, क्वान्टिटीज़ ऑफ द पोट्रीज, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वर प्लेस्ड, रखे जाते थे इन द ग्रेव, कब्रों में, एंड द पर्सनल ऑर्नामेंट एडोर्न ऑन द बॉडी, और उसके जो पर्सनल गहने थे, जवाहरात थे, उसको एडोर्न कर देते थे बॉडी पर, उसके सजा देते थे मरने के बाद, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और समझनी है कि क्या चल क्या रहा भाई साहब यहाँ, ठीक है ना। अगला देखेंगे, एट लोथल सेवरल स्पेयर्स ऑफ स्केलेटन और फाउंड इन द सेम ग्रेव इंडिकेटिंग। अच्छा, अब लोथल और कुछ ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पे एक ही कब्र में जो है दो दो जो है आपको कंकाल मिले हैं, तो दो दो स्केलेटन मिलने का ये मतलब है, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि हो सकता है कि उस ज़माने में सती प्रथा नामक एक प्रथा जैसे जो चलती थी, जिसके बारे में अपने को आइडिया है कि अगर पुरुष की मौत हो जाती है किसी परिवार में, तो उनकी पत्नी भी जो है उसके साथ जो है देह त्याग देगी, ठीक है, या पत्नी अगर मर जाती है तो पुरुष भी उसके साथ देह त्याग देगा, और दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। तो कहीं कहीं पर दो दो कंकाल मिले हैं, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि उस जमाने में भी सती प्रथा का प्रचलन हो, ठीक है ना। तो ये लिखा है, ये सूती लिखते हैं इसको, पर ये है ये सती, है ना, सती प्रथा लिखा भी है। ए लेटर हिंदू कस्टम इन विच वाइव्स एंड देयर लाइव्स आफ्टर द डेट ऑफ द हस्बैंड, है ना। उसके बाद देखेंगे, मेनी बरियल्स गिव, जितनी बहुत सारी जो है वो क्लियर इंडिकेशन देती है ऑफ द बिलीफ ऑफ एन आफ्टर लाइफ। द सिमेट्री एक्सकावेटेड, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है। क्वांटिटीज ऑर्डर पर, ये भी अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे अपन, इन हड़प्पा न्यूमेरस टेराकोटास फिगरिंग, हड़प्पा में बहुत सारे जो है टेराकोटास के ऐसे फिगर मिले हैं ऑफ वुमन्स, महिलाओं के, हैव बीन फाउंड इन वन फिगर, एक ऐसे फिगर में ए प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ ए वुमेन। द हड़प्पा प्लान, द हड़प्पांस लुकड अपॉन द अर्थ एज ए फर्टिलिटी गॉड, ये याद रखना है ना भैया, ये हमेशा याद रखना है, अच्छी चीज़ है। एक कुछ ऐसे फिगर भी मिले हैं जहाँ पे ये पता चला है कि एक महिला ने जो है के पेट में से, जहाँ से बच्चे होते हैं वहाँ से जो है कुछ पेड़ वगैरह ऐसा निकलता हुआ दिखाया गया एक फिगर में। तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो धरती को क्या है, फर्टिलिटी की देवी, ठीक है ना, मानते थे। और ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है इजिप्ट के लोग जो नाइल रिवर है, नाइल नदी है, वो उसकी पूजा करते थे, उसी के समान इन्होंने रखा है, ठीक है ना। तो नाइल नदी की एक देवी थी जिसका नाम था आइसिस, आईएसआईएस वाला, वो वाला नहीं है ये, है ना, आतंकवादी वाला। नाइल नदी की देवी जो थी उसका नाम है आइसिस, और उसी बेसिस पे जो है जैसे वहाँ पर आइसिस की पूजा होती थी, उसी प्रकार ये जो है पूजा करते थे अर्थ की, ठीक है ना, हड़प्पा वाले। द मेल डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सील विद द ट्री हॉन्ड, है ना। और एक ऐसी सील मिली है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसके सींग निकले हुए हैं, ठीक है ना, सील विद थ्री हॉर्न हेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द सिंगल पोस्चर ऑफ योगी, और वो योगी की साधना में बैठा हुआ है, ठीक है। दिस गॉड इज सराउंडेड, और ये जो भगवान है जिसकी मूर्ति मिली है जिसमें ये हॉर्न, जिसके सिंग वगैरह है, और वो योगी की मूर्ति में पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ कुछ एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, बफेलो है, और कुछ जो है उसमें डियर भी दिख रहे हैं उस फोटो में।
डिपिक्ट ऑफ द गॉड आइडेंटिफाई, और इन्हीं गॉड को जो है पशुपतिनाथ महादेव के नाम से माना गया कि हो सकता है कि पशुपतिनाथ हो, ठीक है ना। और क्योंकि पशु वो इसी प्रकार से बैठते हैं जानवरों के बीच में, तो ऐसा मान्यता है कि हो सकता है कि ये भी पशुपतिनाथ ही हो। द थ्री पीपल ऑफ द इंडस रीजन आल्सो वर्शिप्ड, ठीक है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देम इज़ द हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, है ना। एक जानवर सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है वो है वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, ठीक है ना, एक सिंग वाला गैंडा। ठीक है, एम्यूलेट्स आर ऑल्सो बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर। एम्यूलेट्स मतलब वही ताबीज़ वगैरह, ये भी बहुत सारे जो है लार्ज नंबर में अपने को मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिली है देखने में। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, कंटिन्यू करिए। क्लियर है, तो ये सारा हुआ, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 200 वर्ड्स में बड़े आसानी से आ सकता है और कोई भी जो है इसको समझ सकता है। सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में अपन क्या देखेंगे, देखेंगे ये कि दिख रहा है, ठीक है जी। तो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में क्या देखते हैं अब अपन, जो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इंडस वैली, द अपेरेंट क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड लोकलाइज द क्राफ्ट ग्रुपिंग ऑफ मोहनजोदड़ो अलॉन्ग विद द ग्रेट डाइवर्जेंस इन द हाउस टाइप, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड सम डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये बता रहे हैं कि जो कुछ घर मिले हैं मोहनजोदड़ो वगैरह में, वो कुछ एक विशेष प्रकार की साइज के थे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वहाँ पे जो है ना एक क्राफ्ट जो स्पेशलाइजेशन थी वो था उसमें, लोकल क्राफ्ट ग्रुपिंग ऑफ मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की आपको चीज़ें मिली है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेड वाज एक्सटेंसिवली एंड अपेरेंटली वेल रेगुलेटेड, प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे जो ट्रेड वगैरह था वो मैंने आपको बताया पूरा डेवलप्ड था, जो रॉ मटेरियल है वो गांव से आता था, शहरों में जो है उसकी साइकिलिंग होती रहने के बाद एक नया प्रोडक्ट जो तैयार होता था, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जैसे आजकल होता है। तो वही लिखा हुआ है, ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव एंड अपेरेंटली वेल रेगुलेटेड, बहुत बढ़िया से रेगुलेटेड था ट्रेड, प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, इसमें जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ किया जाता था, इंटरनल प्रोडक्शन सेंटर बने हुए थे, फिर उनको जो फिनिश्ड जो चीज़ें बन जाती थी उस रॉ मटेरियल से, ठीक है ना, आलू ला के आलू की चिप्स बना के बेच देते थे लोग, ठीक है, या फिर जो कच्चा प्लास्टिक लाते थे उस प्लास्टिक का कुछ बढ़िया से बना के, जैसे आजकल होता है उस ज़माने में नहीं होता था, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो रॉ मटेरियल लाया जाता था और रॉ मटेरियल को जो है फिर अच्छे से उसको डेवलप किया जाता था, और डेवलप करने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था, फाइनल प्रोडक्ट था, उसको वापस डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी इनके पास बढ़िया सेटअप था, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश थ्रू आउट द रीजन्स एंड एस्टेब्लिश द हरप्पन। और ये भी इनको लगता है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ पर, जो मेसोपोटामिया और ये बच्चखान जो है, ये बच्चखान, तो यहाँ पर भी ये मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर पर एक शहर है आज भी है, वहाँ पर जो है इंडस वैली की कुछ कॉलोनियाँ बन गई थी, ठीक है ना। जो अपने भी होता है ना, बाहर से लोग आते हैं बड़े शहरों में तो वो यहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं और तो वो शहर बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े शहर। द रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट, वो पूरी सभ्यता में जो वेट है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म था,
ठीक है ना, मतलब कहीं पर भी ये नहीं है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप सिस्टम था, ट्रेड था वहाँ पे, तो अपने को पता ही है थ्रू आउट द इंडस वैली एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द सिविक वर्क भी था एज अ ग्रेट ग्रैंडरीज, बहुत सारी ग्रैंडरीज थी, इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर ए वाइड एरिया। सभी क्षेत्रों में ग्रैंडरीज मिली है, ठीक है, इसका मतलब सब लोगों को जानकारी थी कि ग्रैंडरी का प्रयोग क्या होता है और वहाँ पर माल क्या क्या भरा जाता है, तो इस प्रकार से सब चीज़ें होती थी। और ये सारी चीज़ें बताती है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था वो एक तरफा था, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। इसके बाद देखेंगे आर्ट एंड आर्ट एंड अच्छा अब आर्ट के बारे में देख लेते हैं, आर्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्ट किसी थी भैया, तो आर्ट का तो देखिए अब इसमें कि टाराकोटा के कुछ फिगर मिले हैं, उन्हीं के बारे में बता रखा है। द पॉपुलर आर्ट ऑफ द हरप्पांस वाज इन द फॉर्म ऑफ टाराकोटास फिगरिंग, टाराकोटा के जो फिगर्स मिले हैं उसी के फॉर्म में है, वही और वही है बस जितने आर्ट है। द मेजोरिटी आर इन स्टैंडिंग फीमेल, ठीक है ना, बहुत सारी जो है वो महिलाओं पर बात की गई है। ऑफन हेवली लैंडन विद द ज्वेलरीज, एक महिलाओं के बारे में है जो पूरी तरीके से ज्वेलरी पहने हुए, ठीक है ना, और उन्हीं के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ एक मेल है जिसके कुछ दाढ़ी है ना, एक हॉर्न है उसके सर पे, है ना, वो भी दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि, और ऐसे फिगर बहुत सारे मिले हैं, तो इस प्रकार से पता चलता है कि हो सकता है कि ग्रेट मदर और ग्रेट गॉड का वहाँ पर प्रचलन हो, माँ और बाप को जो है ईश्वर मानते हो वो, इस प्रकार की चीज़ें हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ टेराकोटा एनिमल्स कार्स एंड टॉयज सच एज, ठीक है ना, और बहुत सारे टेराकोटा के ऐसे वो मिले हैं फिगर जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स कार्ट, है ना, बच्चों की गाड़ियाँ, खिलौने वगैरह, इस प्रकार के बने हुए जो है कुछ मिले हैं इनको खिलौने टाइप, सच एज मंकी, एक मंकी जो है वो क्लाइम कर रहा है स्ट्रिंग पे, है ना, उस पर रस्सी पे चढ़ने का, कैटल्स और कैटल्स नॉट देयर हेड, जो कैटल्स होती है भेड़ बकरियाँ होती है वो आपस में, जो गाय होती है आपने देखा होगा सर से सर टकराती है, तो इस प्रकार के जो फिगर वहाँ मिले हैं उनमें इस प्रकार की आकृतियाँ दिखी है, इसका मतलब वहाँ एनिमल वगैरह इन सब के बारे में वो लोग देख देख के उनके फिगर बनाया करते होंगे। पेंटेड पोट्री इज द ओनली एविडेंस दैट आर ट्रेडिशनल पेंटिंग, स्टोन स्क्रप्चर इज एक्सट्रीमली लेयर, स्टोन के जो स्क्रप्चर है वो बहुत कम मिले हैं एंड मच ऑफ इट्स आर क्वाइट क्रूड, वो जो मिले हैं वो भी इतने क्रूड हैं, मतलब इतने बेकार स्थिति में कि उनको पहचान पाना संभव नहीं हो पा रहा था। टोटल रिपार्टियर कैन नॉट कम्पेयर विद द वर्क डन इन द मेसोपोटामिया, और ये बोल रहे हैं कि भैया उसी समय में जो मेसोपोटामिया में काम हुआ वो एक तरफा काम हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा से जो थी वहाँ पर बहुत अच्छा लिटरेचर था, वहाँ पर लोग राजा हुआ करते थे और वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था, उसके कंपेयर में यहाँ पर इतना सिस्टम अच्छा नहीं था, ये है कहने के बाद, ठीक है ना। ए स्मॉल नोट ऑफ कास्ट ब्रॉन्ज फिगर इंक्लूडिंग सेवरल फ्रेगमेंट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कुछ ब्रॉन्ज के फिगर मिले हैं, ब्रॉन्ज यानी धातु होती है, कांसा जिसको बोलते हैं, तो उस कांसा के भी कुछ बर्तन मिले हैं और उन फिगरों में और कुछ बर्तन मिले हैं या कुछ ऐसे डिजाइन मिली है या कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है, उनमें क्या मिला है, इंक्लूडिंग सेवरल फ्रेगमेंट एंड कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, नाचती हुई लड़की, स्मॉल चेरियोट, चेरियोट का मतलब होता है रथ, छोटे छोटे रथ बने हुए है ना ब्रांस के, कार्ड्स मिले हैं, एनिमल्स के भी जो है छोटे छोटे ब्रांस की बनी हुई मूर्तियाँ पाई गई है। द टेक्निकल एक्सीलेंस ऑफ द ब्रॉन्ज सजेस्ट ए हाईली डेवलप्ड आर्ट, जो इस प्रकार का उन्नत किस्म का ब्रांस का जो ब्रॉन्ज का जो इन्होंने प्रयोग कर रखा है मूर्तियाँ बनाने में, तो इतना डेवलप्ड जो है वो चीज़ बहुत लेवल की चीज़ें थी ये, दे अपियर्स टू बी इंडियन वर्कमैनशिप रेदर देन इम्पोर्ट, और ये सब ऐसा लगता था कि भारत में ही बनी हुई है, कहीं बाहर से नहीं आई गई है। मच ऑफ द वर्क इज एग्जीक्यूटेड विद द बोल्डनेस, बहुत सारा कार्य बोल्डनेस से किया गया था एंड द डेलिकेसी ऑफ द फीलिंग, भावनाओं से भरा हुआ था, बट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट डू नॉट लीव मच स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी, ठीक है ना, वहाँ पर इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए। इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड वर्ड्स एंड मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनको पढ़ पाना तो आज तक संभव हुआ नहीं है, पर उनको उन्होंने पता तो कर लिया है कि कितने वर्ड थे उसमें और क्या क्या थे वो, ठीक है, तो कोशिश तो करी है। तो यहाँ पे देखेंगे द स्क्रिप्ट विच वॉज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी उल्टी, है ना, उधर से इधर लिखी जाती थी, इधर से उधर नहीं, ये लेफ्ट है वो राइट है, ठीक है ना, तो राइट टू लेफ्ट फ्रॉम, और उसमें कितने थे, 2000 ओड शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होते थे, 2000 शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होते थे, उसके बाद 500 साइन होते थे, 500 कुछ सिग्नल सिग्नल होते थे, 500 साइन होते थे, ठीक है ना, पर आज तक, बट इट इज़ नॉट येट
क्लियर, बट आज तक ये संभव नहीं हो पाया वेदर दिस साइन आर आइडियोग्राफिक थे, लोगोग्राफिक थे, या इनका कोई और मतलब था। पता नहीं चल रहा इतने सारे साइनों को क्यों बनाते थे, उनका मतलब क्या था। स्टडीज ऑफ द इंस्क्रिप्शन हैव बीन मेड बाय द, एक कोई टीम आई थी रशिया से, और रशिया के ये एक आर्क्योलॉजिस्ट है इनका बड़ी, इन्होंने बहुत सारी सभ्यताओं को खोजा है, और इन्होंने, इनका नाम था यूरी वाल्टिनोविश, और एक और व्यक्ति थे जो फिनलैंड से आए थे, उनका नाम था अशोक पारपोलो, अशको पारपोला। तो इन दोनों ने भी जो है वहाँ पे सभ्यता के में जो लिटरेचर था उनको उनको खोजने की और उनको पढ़ने की कोशिश करी, बट देयर इज स्टिल नो जनरल एग्रीमेंट, पर आज तक कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं बना है, ठीक है ना। और आज तक जो है ये जो लैंग्वेज है ये अननोन है, पता ही नहीं है क्या लिख गए वो लोग, ठीक है। किसी किसी को लगता है कि यार ये हो सकता है कि ये मेसोपोटामिया वाली हो, किसी किसी को कुछ और लगता है, परंतु इसमें लिखा है मैंने आगे, द लैंग्वेज इज़ नॉट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, ना तो वो इंडो यूरोपियन फैमिली की वो लैंग्वेज नहीं थी, जितनी भी लैंग्वेज इंडो और यूरोपियन में बोला जाता है उस लैंग्वेज के वो नहीं थे, ना ही वो सुमेरियन लैंग्वेज से रिलेटेड है। सुमेरियन थी मेसोपोटामिया की लैंग्वेज, है ना, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया है ना, ये लोग आज का जो इराक है ना उसमें बोली जाती थी, आज के इराक में, है ना, सुमेरियन। और ये एक लैंग्वेज होती थी हरियन और इलमाइट, तो ये हरियन और इलमाइट लैंग्वेज बोली जाती थी जो साउथ ऑफ ईरान है, ईरान का जो वो एरिया जो साउथ में पड़ता है, उस ज़माने में ये लैंग्वेज बोली जाती थी। और ना ये तो ये हड़प्पा की जो लैंग्वेज है ना, तो वो इंडो यूरोपियन फैमिली की है, ना वो सुमेरियन है, ना वो हरियन है, और ना ही इलमाइट है, ठीक है ना। ये तो ये हरियन और इलमाइट उनसे भी रिलेटेड नहीं है, तो पता नहीं ये लोग क्या ही लिखते थे, ठीक है, किसी को क्या पता, समझ में भी आती होगी इतनी, क्योंकि आसपास वालों को तो पता ही नहीं है ना कि ये क्या लिख रहे हैं। और ये हरियन और ये जो इलमाइट लैंग्वेज, इसके इसका ऐसा है कि जब ये ईरान में बोली जाती थी, है ना, ये ईरान में बोली जाती थी ये लैंग्वेज इलमाइट, तो ईरान में जब ये लैंग्वेज बोली जाती थी तो उस समय अलेक्जेंडर जो था, उस अलेक्जेंडर का हमला हुआ था ईरान पर, तो हमले से पहले जो सभ्यता थी वहाँ पर ये इलमाइट लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और जब अलेक्जेंडर का हमला हुआ तो अलेक्जेंडर ने वहाँ के सारे दस्तावेज जला दिए, वहाँ की पूरी सभ्यता ख़त्म कर दी, और वो उन्होंने अपने हिसाब से आगे की सभ्यता बढ़ा दी या बना दी। तो उसके आगे के साक्ष्य जितने भी वो अलेक्जेंडर के अनुसार है, परंतु उसके पुराने जितने भी थे जो इस भाषा में लिखे हुए थे वो सारे ही जला दिए, ठीक है ना, कुछ एक बच गए थे उनसे पता चला, बाकी तो सब अलेक्जेंडर महान ने सब जला दिए। इट इज़ रिलेटेड टू एनी मॉडर्न लैंग्वेज, अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो लैंग्वेज है एक मॉडर्न लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ठीक है ना, ये द्रविड़ियन हो सकती है, द्रविड़ियन जो भारत के साउथ एशिया में बोली जाती है, ये भरोई लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है। भरोई लैंग्वेज जो कहाँ बोली जाती है, वेस्टर्न पाकिस्तान में के जो गांव हैं जो बहुत पुराने हैं वहाँ पर आज भी बोली जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो भरोई के कुछ जो साइन मिले हैं वो इस लैंग्वेज के साइनों से मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कि भरोई जो लैंग्वेज है जो पाकिस्तान में बोली जाती है, जो हड़प्पा वाला ही क्षेत्र था, आज भी है ये भाषा, उससे रिलेटेड हो सकती है। तो ये था लैंग्वेज वाला। अगला देखेंगे वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स मतलब वहाँ पर क्या जो भार होते थे, जो नापने की यूनिट्स होती थी, वो जाहिर सी बात है इतना जब बढ़िया ट्रेड सिस्टम है तो वेट मेजर भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो दो प्रकार के ट्रेड मेजर सिस्टम होते थे, वजन नापने की दो इकाइयां होती थी, एक छोटे वजन जिनको डेसिमली फॉर्म में होता था, जो दो की पावर में चलते थे, ठीक है ना, ए बाइनरी सिस्टम फॉर द लोअर डिनोमिनेशन, एक दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पाँच, दो की पावर छः, एक तो सिस्टम ये चल रहा था भाई साहब, है ना, और एक सिस्टम चल रहा था डेसिमल सिस्टम जो इंटू दस के मल्टीपल में चलता था, जैसे 160 ये 10 का मल्टीपल, 200 में 10 का मल्टीपल, है ना, ये इसमें जीरो फिर 10 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल, तो 10 के मल्टीपल में ये सब चलते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल स्केल ऑफ द मेजरमेंट वर फाउंड इन द एक्सकावेशन, बहुत सारी जो है सेवरल स्केल, बहुत स्केलें भी मिली है, वन वाज डेसिमल स्केल, एक डेसिमल स्केल मिली है जो 3.35 सेंटीमीटर लंबी है, है ना, और जिसको बढ़ाकर जो है 33.5 सेंटीमीटर तक कर दिया जाता है ना, ये इंटू 10 कर रखा है डेसिमल, ठीक है, ये इंटू 10 कर रखा है, 3.35 से 33.5 कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इंडस वैली में चल रही थी।
तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज देख ली है कि इंडस वैली में क्या क्या चल रहा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि इतना बढ़िया ट्रेड सिस्टम था तो मोस्ट प्रोबेबली अपन ने इंडस वैली में क्या क्या देखा। अपन ने इंडस वैली में वहाँ का सोशल सिस्टम देखा। अब सबसे पहले अपन ने इंडस वैली के बारे में डिस्कस किया, फिर इंडस वैली के एक्सकावेशन में कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो है अपन ने वहाँ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो है अपने वहाँ के जो लोकल सिस्टम सोशल सिस्टम को डिस्कस किया, फिर वहाँ के रिलीजियस सिस्टम को डिस्कस किया, सील हो गई, कॉइन हो गए और जितने भी पॉटरीज हो गई, इन सबको डिस्कस किया। तो इन सबको इतना बढ़िया ट्रेड सिस्टम था, फॉरेन ट्रेड को डिस्कस किया अपन ने। इतनी सारे पॉइंट को अपन कवर करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो सभ्यता गायब हो गई। तो गायब कैसे हो गई, तो गायब होने की कोई भी पुख्ता प्रमाण तो आज तक नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे महान लोग आए हैं या आर्कियोलॉजिस्ट, इन लोगों ने कुछ प्रमाण दिए हैं। कभी कभी वो प्रमाण सही लगते हैं, कभी कभी गलत लगते हैं। तो सही क्यों लगते हैं वो भी बताता हूँ मैं, और गलत क्यों मानते हैं उनको ये भी बताता हूँ मैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अपने पास ऐसा कोई भी पक्का प्रमाण नहीं है, एक भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन गायब क्यों हो गई थी। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो माना जाता है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं, पेन का बड़ा दिक्कत है, बार बार लेना पड़ता है। जो इंडस वैली जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो लगभग लगभग 3300 से लगभग जो है थी 1300 बीसी तक जो है वो ख़त्म हो गई थी। परंतु ये जो 1300 बीसी है ना, यहाँ तक वो सभ्यता पूरी गायब हो गई थी। ख़त्म तो ये लगभग 1700 बीसी में ही हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई पक्के तो वो सान वान वगैरह सब के इस साल ये हुआ उस साल वो तो कुछ था नहीं, लंबे दौर तक चीज़ें चलती थी और कोई इंटरनेट वगैरह कोई जानकारी कुछ तो थी नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1700 आते आते तक ये सभ्यता ख़त्म होना चालू हो गई थी, और 1300 तक तो ख़त्म ही हो गई थी, पर 1700 में ही ख़त्म हो गई थी ये, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि 3300 से लेके 1700 तक इसका काम हो गया था तमाम, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम पीरियड है, जो मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था, जब बढ़िया सारा काम ट्रेड और बिल्कुल उच्च लेवल पे चलता था, वो बोला जाता है कि 2700 बीसी से लेके लगभग 1800 या 1900 बीसी तक ये चलता था। ये एक मैच्योर पीरियड बोला जाता है। ये सन जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किताब में 2700 का 28 हो जाएगा, ये 1800 का 1900 हो जाएगा, ये 1700 हो जाएगा। पर ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ये जो पीरियड था 700-800 साल वाला, ये ही सबसे अच्छा पीरियड था इंडस वैली का। उसके बाद उसका पतन होना, डिक्लाइन होना चालू हो गया था। तो उसके पीछे कुछ कारण हुए होंगे। तो ये पहले सबसे पहला व्यक्ति आया मोर्टिमर व्हीलर। इन भाई साहब ने क्या दिया, ज्ञान दिया। इन्होंने एक थ्योरी निकाली। थ्योरी क्या थी, इन्होंने ये बोला कि भैया जो है इनके अनुसार जो आर्यन थी, आर्य सभ्यता जिसको मैं अपन आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है आर्यंस वगैरह, तो वो जब भारत में आए तो उन्होंने इन पर हमला किया और इनका जो वेल डेवलप्ड सिस्टम था वो उन्होंने इनको ख़त्म करके और इनका पूरा ऐसा तबाह कर दिया इनको और मार दिया सारे इंडस वैली को। तो भैया एक तो पहली बात ये, ठीक है ना, कि ये जो आर्यंस आए थे वो लगभग जो है ना 1500 बीसी में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि 1700 बीसी तक आते आते तो ये वैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो ये तो और 200 साल बाद आए थे, उसके पहले ही ये जो सभ्यता है लगभग ख़त्म हो गई थी। तो इस प्रकार से जो मोर्टिमर व्हीलर साहब की जो थ्योरी है वो थोड़ी हजम करने में अच्छी नहीं लगती या हजम नहीं होती, क्योंकि ये बोल रहे कि भैया आर्यन ने आके जो है हमला किया उस वजह से मर गए, पर आर्यन तो बाद में आए थे, वो लोग तो पहले ही मर गए थे, मतलब किसी और कारण से मरे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है मोर्टिमर व्हीलर की थ्योरी है जिसका इन्होंने ये दिया है और ये हुआ है ना। ये थ्योरी भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये थ्योरियाँ जो है ना, बहुत सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको फिर से प्रमाणित किया, उन्होंने इसको और डिटेल में एनालिसिस करके बताया है, लेने के रिजल्ट वही निकला है। इन लोगों के नाम याद रखें, है ना, यहाँ पे बहुत सारे और भी नाम है, ढेर सारी थ्योरियाँ हैं, ढेर सारी, जितने नाम उतनी थ्योरी। मोर्टिमर थ्योरी, उसके बाद है थ्योरी ऑफ द रिग्स। अब ये रिग्स भाई साहब हैं, इन लोगों ने भी जो है एक थ्योरी दी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो है जो डिक्लाइन हुआ था, जो पतन हुआ, उसका कारण था एक अर्थक्वेक, जोरदार भूकंप आया, उसके बाद जो है एक फ्लड आई, बाढ़ आ गई, और भूकंप और बाढ़ के कारण जो है जो उनको एक कुछ एविडेंस भी मिले हैं इस प्रकार के मोहनजोदाड़ो में कि वहाँ पर भूकंप आया होगा और उसके बाद बाढ़ आई, उसके कारण जो है पूरा शहर बह गया। तो इसको ये चीज़ वाकई में लगती है कि हो सकता है भूकंप आया होगा, बाढ़ आई हुई होगी और सब बह गए होंगे। पर आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग 1400 शहर मिलके बने थे, आज तक 1400 साइट्स उसकी डिस्कवर हो चुकी है। तो 1400 के 1400 शहर में भूकंप आ गया और सबके सारे शहरों में बाढ़ आ गई और सबके सब बह गए। अरे भैया 2-4 लोग तो बचते हैं, सारे बह गए, थोड़े बहुत लोग बचते,
और ऐसा भी नहीं है कि फ्लड आया तो फ्लड सारी सभ्यता के जितने भी शहर थे इंडस वैली के वो सब नदियों के किनारे थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे शहर थे जो नदियों से बहुत दूर थे, ठीक है ना, पर वो भी बह गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हजम नहीं होती है। हालांकि ये जो थ्योरी है ये किसी किसी क्षेत्र में लागू होती है और इसके कुछ प्रमाण, इसके कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं अपने को, जो मोहनजोदड़ो मिले हैं। पर इसको 100% सब जगह अप्लाई करना थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा है। ये लिखा भी है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी वॉज डेट दिस थ्योरी इज कन्फर्म्ड ओनली टू अ सर्टन रीजन, केवल कुछ ही रीजन्स तक ये फिक्स हो गई थी ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन एंड नॉट टू ऑल द प्लेसेज वेयर द सिविलाइजेशन फर्निश। और ये सब जगह पर नहीं पहुँच पा रहा है, सब जगह की बात नहीं इससे कर पा रहे हैं। अगला व्यक्ति था भैया फेरेस्ट्रीज, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द प्रपोज डेट द इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, इन्होंने तो इन्होंने बोला कि भैया वहाँ का जो पूरा इकोलॉजी थी, ठीक है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र था वही पूरा इम्बेलेंस हो गया, ठीक है। तो वही सब इम्बेलेंस हो गया तो वो खाना पीना वगैरह उन सब की दिक्कतें आने के कारण तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है ना। परंतु तो इन्होंने खुद ने ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी और न प्रूफ कर पाए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय अपने को देखने को मिली। फिर अगले व्यक्ति आया थ्योरी ऑफ दास एंड सोद, दास एंड सूद ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि इंडस नदी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया हो, ठीक है, वो इतना ज़्यादा पानी आने के कारण जो है नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। दे प्रपोज डेट दे चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर, इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, वॉज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन एंड एज मोस्ट ऑफ सिटीज़, और इस इनके अनुसार ये है कि बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो इंडस नदी के आसपास थी, है ना, और या इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज थी उसकी सहायक नदियों के आसपास थी। तो अगर उसमें पानी ज़्यादा हुआ तो सभी में पानी ज़्यादा आया होगा और उन्हें सभी ने रास्ते बदल के और जो आसपास की जितने भी लोग रहते थे उन सबको बहा दिया। ये थ्योरी थोड़ी संभव है, वो इसलिए संभव है कि हो सकता है कि इंडस नदी के आसपास या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास हो सकता है कि सभी में एक साथ ज़्यादा पानी आ गया हो और जो जितने भी बड़े बड़े ट्रेड वाले शहर थे, लोथल, मोहनजोदाड़ो हो गया अपना, हड़प्पा हो गया, या जितने भी बड़े बड़े शहर जिनको बोला गया, वो सारे शहर उन नदियों के आसपास बस वो बड़े बड़े शहर जो है वो बह गए हो। और तो बड़े शहरों से अगर बह गए हो तो छोटे शहरों तक माल ही नहीं सप्लाई नहीं हुआ होगा बाद में भविष्य में, और धीरे धीरे वो छोटे शहर भी जो है समय के साथ ख़त्म हो गए होंगे। तो ये इन्होंने जो है बोला है, ये थोड़ा सा लगता है कि इन्होंने थोड़ा ठीक स्टडी करी है। अगला व्यक्ति आया था मलिक और पोचाल, तो मलिक और पोचाल ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। तुम बोल रहे हो कि ख़त्म हो गई पर हम तो बोल ही नहीं रहे, इन्होंने ऐसा बोला। हो सकता है कि वो सभ्यता जो है धीरे धीरे ख़त्म हुई हो, तुम्हारे कहने से वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो हड़प्पा के बाद वाली जो नई सभ्यता आई थी जिसको प्री वैदिक बोलते हैं या पोस्ट हड़प्पियन हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो वो पोस्ट हड़प्पा सभ्यता में के जो लोग थे उन लोगों की जो तरीके थे वो इंडस नदी जो इंडस सिविलाइजेशन थी जो हड़प्पा वाले लोग थे उनसे थोड़े से अच्छे थे, ठीक है ना, वैसे के वैसे नहीं थे, उनसे अच्छे थे। तो इन्होंने बोला कि जो बाद वाले लोग आए उन्होंने अपना पूरा मॉडिफाइड कर दिया, अपना पुराना वर्जन को चेंज करके नया वर्जन डाउनलोड कर लिया और एक नए ज़माने के लोग बन के जो आए जिनके पास पुरानी आइडेंटिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी या पूरी तरीके से वो भूल चुके थे पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ें आ गई। तो ये भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अगर आप एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं बसने तो आपको जो आता है वैसे ही तो आप काम करेंगे। आपको जिस प्रकार से घर यहाँ बनाया वहीं वहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे, जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तन आपने यहाँ बनाए वैसे कि वैसे ही वहाँ बनाएंगे। तो जो जो चीज़ें आपने यहाँ करी वो क्यों हुई तो आगे जीवन में करेंगे। तो परंतु इनके अनुसार ऐसा है कि बाद वाले जो लोग आए वो हड़प्पा ख़त्म नहीं हुआ था और बाद में हड़प्पा के जो एंड एंड में जो लोग आए उसके बाद जो नई सभ्यता चालू हुई वो हड़प्पा से ही सीखी हुई सभ्यता थी और उन्होंने उन्हीं सभ्यताओं को आगे बढ़ाया। परंतु वो जो मैच होता है ना पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता में वो ये इसके एविडेंस निकाल नहीं पाए, ठीक है। तो ये इनका एक सिस्टम, ये एक थ्योरी का ड्रॉबैक है। अगला देखेंगे सम अदर मिथ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द कॉलेज ऑफ द लीगेसी, कुछ अदर मिथ क्या है। तो एक कुछ ये मिथ ये है, ठीक है ना, तो इन्होंने ये बोला एक मिथ ये है कि अराउंड द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी तक आते आते 1900 BC तक आते आते क्या हुआ था कि माउंटिंग प्रॉब्लम चालू होने लग गई थी और लोग क्या थे बड़े शहरों को या शहरों को छोड़ छोड़ के दूसरे शहरों में माइग्रेट करना चालू हो गए थे। द पीपल स्टार्टेड टू लीव द सिटीज़ दोज हु रिमेंड, और जो लोग वहाँ बच गए थे जो शहर छोड़ के नहीं गए वो पुअरली नरिश्ड हो गए थे, वो पूरी तरीके से जो है पुअरली नरिश्ड हो गए थे क्योंकि खाने पीने को ही नहीं था। मैक्सिमम लोग छोड़ के चले गए तो उस जाहिर सी बात है उस ज़माने में हो सकता है कि वहाँ व्यापारी ख़त्म हो गया हो, धंधा आना ही ख़त्म हो गया हो, तो जो लोग वहाँ रह गए थे वो लोग गरीबी और भुखमरी के कारण ही मर गए हो,
ठीक है ना। तो ये एक एक ये भी है बाय अराउंड 18th सेंचुरी और लगभग 1800 सदी तक आते आते 1900 से 1800 100 साल के पीरियड आते आते मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर अबैंडन्ड। तो लगभग लगभग जितनी भी सिटीज़ थी वो सारी अबैंडन्ड हो गई थी। अबैंडन्ड का मतलब होता है खंडर का बंद पूरी तरीके से, है ना, मतलब किसी प्रचलन में नहीं। इन द आफ्टरमथ और बाद में ऐसा गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स रीजन कल्चर इमर्ज्ड टू वेरिंग डिग्री शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। और बाद में इन्होंने बोला कि बाद में जितने भी कुछ सिविलाइजेशन आई उसी में इंडस वैली के ही कुछ प्रमाण इनको मिले हैं, इमर्ज हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी। अगला पॉइंट है जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट्स, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक प्रॉब्लम के कारण भी जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके पतन का कारण हो सकता है। क्या बोला गया है, इट इज़ बिलीव दैट द इंडस वैली रीजन एक्सपीरियंस सेवरल टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस। टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता होगी, जमीन धरती के अंदर है ना, अर्थ में बीच में जो प्लेट्स होती है, जो परतें होती है, वो आपस में जो होती है वो खिसकती रहती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर जो है वो बाढ़ आना पृथ्वी पर जो है वो भूकंप आते हैं। और इसके कारण क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि सेवरल टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस मतलब बहुत सारे भूकंप आए, जिसके कारण जो होता है अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक के कारण क्या हुआ, नदियों ने अपना रास्ता बदल, नदियाँ जो है वो सूख गई। और सूखने के कारण जो है, जब नदियाँ ही सूख गई तो पानी सूख गया, और पानी ही सूख गया तो जितने मैक्सिमम शहर थे वो बड़े बड़े शहर थे वो सब नदियों के किनारे थे। और जब नदियाँ ही सूख गई, पानी ही सूख गया तो सारा व्यापार ही ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया तो खाना पीना ही बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया तो सबके सब लोग भूखे मरते हुए मर गए। तो इस प्रकार की ये कुछ थ्योरीज हैं। इन सारी थ्योरीज को आपको इसलिए बताया गया ताकि आपके पास ओवरव्यू रहे कि चीज़ों को मतलब क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, कोई भी पक्का प्रमाण आज तक नहीं मिला है, किसी ने भी प्रूफ के साथ एविडेंस नहीं दिए हैं, या कुछ जो थ्योरी दी है वो सब पे अप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसी के साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन ने ख़त्म किया है। तो मैंने आपको अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को चालू किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ सबसे पहले जो है अपन ने इसका पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, है ना, ग्रेनरीज वगैरह जो मैंने आपको इसके पहले वाली जो स्लाइड, इसके पहले वाला जो क्लास है उसमें आप देख लें वीडियो में, ये तीसरी क्लास है। तो कोशिश करें, इसके दो वीडियो पहले भी हो चुके हैं, उसको थोड़ा सा देख लें तो आपको ये सारी चीज़ें जो छूट गई है वो मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेज सिस्टम वहाँ पर कैसा था, ठीक है ना, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम था। उसके बाद अपन ने इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत डिटेल में देखा, बहुत डिटेल में एक एक चीज़, क्योंकि क्वेश्चन आया था 200 वर्ड्स में, अभी आया था 2019 वाले पेपर में, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है। मैंने सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कराया है, क्योंकि ये तो आ गया है, हो सकता है कि इस बार ये नहीं आई, ये आ जाए, ये नहीं आई, ये आ जाए, ये नहीं आई, ये आ जाए, तो अपने को सारी चीज़ें करनी है। तो भी मैंने जो है इसका कॉइन्स पढ़ाए हैं, सील्स पढ़ी है, ट्रेड सिस्टम पढ़ाए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर अलग से अपने डिस्कस किया है, पोर्ट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर किया है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर किया है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ सारी है जितने भी थी, हड़प्पा वगैरह, लोथल, कालीबंगा, ठीक है ना, ये सुक्काडोर वगैरह, मैंने सभी को डिस्कस किया है। उसके बाद जो है अपन ने जो है यहाँ इसका कल्चरल सिस्टम जो है, कंडीशन ऑफ वुमेंस के बारे में, भगवान वगैरह किसको मानते थे, ठीक है ना, फूड्स के और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज ही देखा अपन ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 11 पॉइंट 12 कितने पॉइंट थे वो मैंने जो मैंने बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपको वो इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने फाइनली जो है ये भी चीज़ें देखी, कल्चरल में पेंटिंग के बारे में देखा, स्कल्पचर के बारे में देखा, म्यूज़िक तो यहाँ कुछ था नहीं, ठीक है, जो जो चीज़ें एप्लीकेबल थी वो अपन ने सारी चीज़ें इसमें देख ली, लिटरेचर जो था अपना, ठीक है, वो उसके बारे में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो अपन ने इसके बारे में देख ली, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन वो सारी चीज़ें भी अपन ने शुरू में देख ली थी, और फाइनल जो थ्योरीज थी डिक्लाइन की वो भी अपन ने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली। तो मैंने आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डीपली कवर करा दिया है, बेसिक फैक्ट्स के साथ, प्री के लिए और मेंस के लिए भी। लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका आपको हर बार वही रखना है जो मैंने आपको पहले क्लास में भी बता रखा है। एक रजिस्टर लेना है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी वो तो इकोनॉमिक्स में आ गया, जैसे मान लीजिए हड़प्पा के बारे में अपन बात कर रहे हैं और आपने बात करी सील की, ठीक है ना, मान लीजिए सील के बारे में, या कुछ मान लीजिए मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिक्लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हड़प्पा की, तो एक पेपर पे या एक रजिस्टर का जो एक पेज होता है उस पेज पे मैं कैसे नोट्स बनाता था मैं आपको बता रहा हूँ। तो रजिस्टर का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, रजिस्टर में आधे पेज पर मैं लिखता था जो मैं पढ़ता था, जो मेरे टीचरों से पढ़ा मैंने, या जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं या और कहीं से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स में आप ऊपर वाला जो आधा पोर्शन होता है आप वो लिखते हैं। उसके बाद आधा पोर्शन या 1/4 पोर्शन को छोड़ देना, ठीक है,
अगली चीज़ उसी के नीचे से कभी भी चालू मत करना, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हो, शुरुआत में हो अगर आप, और आप, मैंने आपको बताया तैयारी आपको पहले मेंस की करनी है फिर प्री की करनी है। अच्छा क्या करते हैं, पहले प्री की करते हैं 3-4 महीने, फिर मेंस की करेंगे। प्री के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है तो वो प्री मेंस की तैयारी हो नहीं पाती, प्री भी ऐसे ही निकलता है एंड एंड में, और फिर मेंस भी ढंग से नहीं हो पाती, और मान लो मेंस निकल भी गई तो भी ऐसे निकलती है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वो 3-3 बार तैयारी करते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे ना तो आपकी मेंस की तैयारी भी होगी, और आखिरी में जब प्री का पेपर आने वाला हो तो प्री के 1 महीना पहले जो है आप केवल ब्रशअप के लिए फैक्ट को आप प्री में यूज़ कर लें उसी मेंस के नोट्स से, इतनी बढ़िया तैयारी होगी और आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना और वापस से प्री क्लियर होगा, और उसके बाद मेंस की ऑलरेडी आपके पास नोट्स और तैयारी है, बस उसको फोकस करके और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंटरव्यू देंगे, काम खत्म। तो इस प्रकार से हालांकि चीज़ें लंबी है और उन सब पे, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि एक रजिस्टर लेंगे, एक रजिस्टर में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, एक रजिस्टर का एक पेज जो होता है उसका आधा पोर्शन जो होता है उस पर आप अपना आंसर लिखेंगे, या जो चीज़ सीख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं या आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ वहाँ से लिखेंगे। अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पहले नोट्स जो ऊपर वाला पेज है वो आप उसको उस तरीके से लिखेंगे पोर्शन का, और जो नीचे वाला पेज रहता है उसको खाली छोड़ देंगे। भविष्य में आप अगर कोई और चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप खुद एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ूंगा आगे, एनसीईआरटी वगैरह ये भी, तो एनसीईआरटी के नोट्स होंगे, फिर आप और कहीं से अपने पढ़ेंगे, आपके खुद के पुराने नोट्स होंगे, उसी पेज में जो है आधा जो पेज बचा हुआ था नीचे, फिर आपने को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन और कहीं से पढ़ते हैं उसको जोड़ते जाएंगे। तो जो हड़प्पा का जो मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए ठीक है, या टाउन प्लानिंग के बारे में आप लिख रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग आपने आधे पेज में अपने से खुद से लिख ली अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ, या आपके जो आप पढ़ते हैं पहली बार जहाँ से नोट्स तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप या आपके पास बने हुए हैं तो मैंने कुछ पॉइंट ऐड करवाया तो वो उसको पीछे ऐड कर लें, ठीक है ना। या तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरी वाला लें, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा बाद में वो लें, आप खुद भी किताबें पढ़ेंगे मेंस की राइटिंग करेंगे तो उस समय भी आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती जाएगी। तो हमेशा अगर हड़प्पा के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर आपको चीज़ मिल रही है तो आप उसी में लिखें, उसी पेज में, हर पेज में आप नीचे चीज़ें छोड़ दें, है ना, तो जो है आपका काम हो जाएगा। और हर बार आप पेज बदलेंगे, दूसरे पेज पे आएंगे, दूसरा टॉपिक लिखेंगे, आधे पेज पर अपना आंसर लिख, आधे पेज पर अपना टॉपिक लिखेंगे और आधा पेज भविष्य के लिए छोड़ देंगे। भविष्य में अपन जहाँ से भी चीज़ें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे तो उसको लिख देंगे, ताकि अपने पास क्या होगा कि जो फाइनल आंसर तैयार होगा ना किसी भी टॉपिक का, वो आपका तैयार होता जा रहा है, जो आपने जगह छोड़ी ना उसके बाद अंत एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक बहुत कंटेंटफुल कंटेंट तैयार हो जाएगा, जिसमें 500 जगह का कंटेंट इंक्लूड है, जहाँ और हर चीज़ बिल्कुल ऐसी लिखी हुई है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो उसके बाद आपको उसको याद करना, रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि मैंने पढ़ाया उसको एक रजिस्टर में लिख लिया, फिर खुद पढ़े कहीं से वो दूसरे में लिख दिया, एनसीईआरटी से नोट्स बनाना चालू किया वो तीसरे रजिस्टर में लिख दिया एनसीईआरटी डाल के, एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट वन, फिर उसके बाद हड़प्पा पार्ट वन, उसके बाद जो है और कहीं से किसी और किताब से जो है पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स लाया कहीं से, दोस्तों से पढ़ लिया, बात करे डिस्कस, वो अलग, तो 3-4 नोट्स हो गए। अब जो है हड़प्पा ही जो है 5 जगह पढ़ा हुआ, जब वो 5 जगह पढ़ के जाता है तो मेंस में वहाँ पे लिख भी नहीं पाता, क्योंकि इतना चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है कि वो याद ही नहीं आ रही चीज़ें, समय भी नहीं है कि इतना रिकॉल किया जाए। तो इन सभी से बचने का केवल एक ही तरीका है कि शुरुआत में ही आप जो है इस तरीके से पढ़ें कि उन जो 5 चीज़ें हैं ना उनको मत करें, उन 5 को एक जगह लिया है, और जितना आप इतने अच्छे से करेंगे ना तो आपके पास जो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट तैयार होगा वो बिल्कुल बेस्ट होगा, उसके अंदर सभी चीज़ें होगी, सारी किताबों का नॉलेज होगा, आपका पर्सनल अनुभव होगा, टीचरों का अनुभव होगा, और उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा ना जो आप लिखेंगे उसका एक वजन होगा, ठीक है, उसी से मार्क्स आपके बढ़ेंगे। मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाया, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया आपको, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई, उसके बाद मैंने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। अब वैदिक पीरियड पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद भी इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, प्री वैदिक में भी ये सारी चीज़ें, महाजनपदों में भी यही, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, मौर्य में, पोस्ट मौर्य में, गुप्ता में, पोस्ट गुप्ता में, राजपूतों में, और साउथ इंडिया की डायनेस्टी में, इन सभी में मैं जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और अपने पास एक एट द एंड ऑफ डे जब ये कोर्स ख़त्म होने आएगा तब आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप जो है ना खुद ही चीज़ों को समझ के लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये टॉपिक को आज अपन ख़त्म करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लास्ट क्लास थी और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप जो है इसकी जो PDF है वो आज आपको मिल जाएगी, तो आप उससे नोट्स बनाना चालू कर लें, ठीक है, और कुछ ये वीडियो देख के आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।